हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। साइबोर्ग ईवी ने अपने इंडियन मार्केट में 3 नए इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किए हैं, जिसमें से आज यहाँ पे इस वीडियो में साइबोर्ग योडा के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं, जो कि एक क्रूजर सेगमेंट की बाइक है और कंपनी इसको 2 कलर ऑप्शन ब्लैक और सिल्वर में लॉन्च की है। तो इसकी डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, वो इसकी जो डिजाइनिंग है आपको बजाज एवेंजर की तरह ही देखने में मिल जाती है। कुछ टाइम पहले कुमाकी रेंजर ने भी इसी सेगमेंट में एक बाइक को लॉन्च किया था और अब साइबोर्ग ने भी एक अपने नए इलेक्ट्रिक बाइक जो कि क्रूजर सेगमेंट में लॉन्च की है। यहाँ पे इसके फ्रंट में आपको हेडलैम्प सेक्शन 3 यूनिट के साथ मिल जाती है। इसकी डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, तो इसके साइड से भी देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग, जहाँ पे आपको इसमें टीयर ड्रॉप फ्यूल टैंक वाली डिजाइन दी गई है। हालांकि इसमें फ्यूल टैंक की जरूरत नहीं होती है, केवल डिजाइन पर्पज के लिए दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज और भी नोटिस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स में इंजन की डिजाइनिंग नहीं बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे इस बाइक में इसके जो पेट्रोल बाइक्स में इंजन दिए होते हैं उस डिजाइनिंग के यहाँ पे बैटरी पैक यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से लुक पेट्रोल बाइक की सेगमेंट की तरह ये देखने में लगती है। तो इसके आप सीट देख सकते हैं, 2 लेवल की स्प्लिट सीट मिल जाती है, जहाँ पे पीछे आपको एक बैकरेस्ट भी मिल जाएगा, पीछे बॉक्स भी दिया गया जहाँ पे आप एक्सेसरीज वगैरह रख सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, हैंडल बार्स भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और इसके जो टैंक के ऊपर है आपको एक मीटर कंसोल भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ओवरऑल इस क्रूजर बाइक का आप देख सकते हैं लुक, ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट की क्रूजर बाइक है और इसमें जो मोटर दी गई है वो 8.5 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है। तो 72 वोल्ट का 3.24 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी पैक दी गई है, जो कि वेदर प्रूफ है और ये स्वैपेबल है, यानी कि इसकी बैटरी को आप निकाल कर चार्ज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो इसकी बैटरी फुल चार्ज होने में 4 to 5 आवर्स यानी कि 4 से 5 घंटे का समय लेती है 100% तक चार्ज होने में। तो ये सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज भी देती है। तो इसकी जो टॉप स्पीड है 90 km/h तक है और ये 0 to 40 km/h तक की रफ्तार 3 सेकंड में पकड़ लेती है। बाकी इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क और रियर में डुअल सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। टायर साइज की बात करें तो इसके फ्रंट में 110/70 का 17 इंच और रियर में 140/70 का 17 इंच का टायर्स लगा हुआ है, जिसके फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया है और ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। तो यही फीचर्स की बात करें तो ये LED हेडलैम्प सेटअप के साथ मिल जाएगी। USB सॉकेट भी दिया गया है, इसमें आपको लगेज बॉक्स भी पीछे मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको राउंड शेप का डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। कई सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टैंक के ऊपर वाले हिस्से पे भी आपको एक मीटर कंसोल मिल जाता है। तो इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म भी दिया गया है, इसमें आपको रिवर्स मोड मिल जाता है, यानी कि बाइक को आप पीछे के साइड भी चला सकते हैं और ये फीचर्स काफ़ी अच्छी होती है, खास करके ट्रैफिक के समय या फिर पार्किंग के समय। तो इसमें पार्किंग मोड भी दिया गया है और 3 राइडिंग मोड्स भी इसमें दिए गए हैं, जिसमें इको, ड्राइव और स्पोर्ट शामिल है और ये क्रूज कंट्रोल के साथ भी आती है। इसके अलावा इसमें कीलेस एंट्री भी दी गई है। तो ये कुछ फीचर्स इस क्रूजर बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। तो इसकी जो सीट हाइट है 720 mm है, यानी कि काफ़ी लो हाइट की ये सीट हाइट मिल जाती है, यानी कि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी भी है तब भी आप इसको चला सकते हैं। और इसकी लोडिंग कैपेसिटी 150 kg तक है। तो इसकी बात करते हैं प्राइसिंग की, तो साइबोर्ग योडा का एक्सट्रीम प्राइस 1,84,999, यानी कि 1,84,999 रुपये तक रखी गई है। तो इसके वारंटी की बात करें तो कंपनी से आपको इसके बैटरी पे 5 साल की वारंटी दे रही है, लेकिन वही इसकी बैटरी एक बार चार्ज होने में कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लेगी उसके बारे में बात करें तो एक बार फुली चार्ज होने में लगभग 3 यूनिट यानी कि 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपकी लेगी, यानी कि लगभग आपको 20 रुपये का खर्च आएगा एक बार इसको फुल चार्ज करने में। तो साइबोर्ग का ये नया क्रूजर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसका कंपैरिजन कुमाकी रेंजर के साथ देखना चाहते हैं तो ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। इस बाइक के अलावा कंपनी ने 2 और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बाइक को लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक बॉब ई इलेक्ट्रिक बाइक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख सकते हैं। और आने वाली वीडियो में एक और बाइक है जो कि थोड़ी सी स्पोर्टियर सेगमेंट में आती है, उसके बारे में आपको जानकारी आने वाली वीडियो मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे अपडेट ना मिस हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।